नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। एकनाथ शिंदे के पास 48 विधायकों के समर्थन का दावा, एनसीपी ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई। एक्शन में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, एक डिप्टी सेक्रेटरी और 2 एसडीएम निलंबित। सोनिया गांधी ने ईडी से मांगी मोहलत, खराब सेहत का दिया हवाला, ईडी ने मानी बात। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली दिल्ली में 83 मंदिरों को तोड़ने जा रही केंद्र सरकार को लिखा पत्र। जेपी नड्डा के घर में आगजनी की कोशिश करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, सभी कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता। पीलीभीत में सड़क हादसा, 11 की मौत, 7 घायल। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, हरिद्वार से नहाकर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव की वोटिंग, केशव प्रसाद मौर्य बोले भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों को वोट की ताकत से दे जवाब। हमीरपुर में पिकअप और ऑटो की टक्कर, 8 की मौत, प्रत्यक्षदर्शी बोले मेरे सामने ड्राइवर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। बिजनौर में चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते जलकर हुई राख, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। उन्नाव में पोते ने की दादा की हत्या, मां बोली रोज कहता था सबको काट डालूंगा, फावड़ा उठाकर बुजुर्गों को काट डाला। गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता है पाकिस्तान, कर्ज से छुटकारे के लिए चीन को सौंप सकता है। अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग, हादसे के वक्त प्लेन में 126 लोग सवार थे। भूकंप के झटके से एक बार फिर कांपा नेपाल, काठमांडू से 161 किलोमीटर दूर रहा केंद्र। रूसी सेना ने खार्किव पर की रॉकेटों की बारिश, 15 की मौत, बाहरी इलाके में बने घर हुए नष्ट। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पुतिन, राजनीति से प्रेरित पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने आर्थिक चुनौतियां बढ़ाई। इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया ओपनर, जेसन रॉयड ने ठोका 10वां वनडे शतक। इंग्लैंड में क्रिस गेल से मिले विजय माल्या, फोटो शेयर कर बोले यूनिवर्सल बॉस मेरे बेस्ट फ्रेंड, लोगों ने कहा हमारे पैसे कब लौटाओगे। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रोमेली ने लिया संन्यास, 2018 में खेली थी अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉन्ग ने ऋषभ पंत को दी सलाह, कहा इस दिग्गज को फोन घुमाओ और टिप्स लो। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन चोटिल, जेमी ओवरटन न्यूजीलैंड के खिलाफ करेंगे पदार्पण। कॉमेडियन बिल कॉप्सी को 47 साल बाद मिली सजा, 1975 से चल रहे यौन शोषण मामले में दोषी करार। मेकर्स ने फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मेदार अक्षय कुमार को ठहराया, 80 करोड़ भी नहीं कमा सकी पृथ्वीराज। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और भाई समेत अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र, 12 जुलाई को होगी सुनवाई। अनु कपूर के साथ फ्रांस में हुई लूट, आईपैड, क्रेडिट कार्ड और कैश से भरा बैग लेकर उड़ गए चोर।
कमाई में पति से आगे हैं नयनतारा। एक्ट्रेस की नेटवर्थ 135 करोड़, पति विघ्नेश सिवन से ज्यादा कमाती हैं सुपरस्टार। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो